हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वॉर्ड्सवर्थ। दिस पोएम इज अ सोनेट एंड इट वॉज पब्लिश इन 1807। इस पोएम में वॉर्ड्सवर्थ ने एक सोरो को एक्सप्रेस किया है। सोरो का मतलब दुख। वॉर्ड्सवर्थ कहता है कि मैनकाइंड इतना बिजी हो गया है कि नेचर की तरफ उसका ध्यान जाता ही नहीं है। ह्यूमनकाइंड सिर्फ अपने आप को बेटर करने में लगा है। इस पैसे कमाने की कंपटीशन में किसी का ध्यान नेचर की तरफ जाता ही नहीं है। मतलब यह पोइम बहुत ही थॉटफुल है और इस पोइम को हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे। द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट ओवर पावर्स। इस वर्ल्ड के लोग पावर, पोजिशन एंड मनी के पीछे इस वर्ल्ड की ब्यूटी को भूल गए हैं। वे सिर्फ पैसे कमाते हैं, फिर उन्हें खर्च कर देते हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब पैसे कमाना, फिर उन्हें खर्च करना। और गेटिंग एंड स्पेंडिंग, इस काम को पहले भी लोग करते थे और आने वाले दिनों में भी करेंगे। लेट एंड सून का मतलब पहले भी करते थे और फ्यूचर में भी करेंगे। अर्न एंड स्पेंड में हमने हमारी सारी पावर वेस्ट कर दी है। पोइट का मानना है कि अर्न एंड स्पेंड के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे लव फॉर नेचर। लिटल वी सी इन नेचर दैट इज ओवर्स, वी हैव गिवन ओवर हर्ट्स अवे ए सोर्डिड बून। नेचर जो कि हमारा है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं देते। हमारे माइंड एंड हर्ट में नेचर का थॉट कभी आया ही नहीं। ये एक श्राप है ह्यूमन काइंड के लिए, क्योंकि जहाँ हमें नेचर को इंजॉय करना चाहिए वहाँ हम इससे दूर जा रहे हैं। बिकॉज वी आर बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी डोंट हैव टाइम फॉर नेचर, दैट्स अ सॉर्डिड बून। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून, द वाइंड दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल आवर्स, एंड आर अप गैदर नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। इस स्टेंजा में पोइट नेचर की ब्यूटी डिस्क्राइब करता है जो ह्यूमन काइंड नोटिस नहीं करते। पोइट कहता है कि जो सी है वे मून से कनेक्टेड है। ऐसा लगता है मून इज इन द लैप ऑफ सी, मून समुद्र की गोद में बैठा है। कहने का मतलब पोइट सी एंड मून को डिस्क्राइब करके नेचर की ब्यूटी को और निखारने की कोशिश करता है। सी एंड मून के बीच में जो इंटीमेसी है उसको पोइट एक्सप्रेस करता है। जो वाइंड्स मतलब हवाएं चलती है और जो स्लीपिंग फ्लावर्स है, इन एक्टिविटीज़ को ह्यूमन काइंड महसूस नहीं कर रहा। बेसिकली पोइट ने इस स्टेंजा में सी, मून, वाइंड एंड फ्लावर के एग्जाम्पल से ब्यूटी ऑफ नेचर को एक्सप्रेस किया है। For this, for everything, we are out of tune. It moves us not, great God, I would rather be a pagan, suckled in a creed outworn. Poet कहता है कि humankind out of tune है, मतलब अब उसको nature से कोई मतलब नहीं। उसका aim getting and spending है, nature का उस पर कोई impact नहीं पड़ता। पोइट गॉड से प्रे करता है कि उसको ऐसा मैन मत बनाना जो नेचर की ब्यूटी फील न कर सके। इससे तो बढ़िया पोइट एक पेगन बनना चाहेगा। पेगन मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंटली हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न, हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी, और हियर ओल्ड ट्रिटन blow his wrathed horn। इन लाइन्स में पोइट कहता है कि इफ ही वर ए पेगन तो वह ग्लिम्पसेस ऑफ नेचर देखता, मतलब नेचर की ब्यूटीफुल झलकियाँ एक प्लीजेंटली पर खड़ा होकर। प्लीजेंटली मतलब ऐसा घास का मैदान जो बहुत ही सुनहरा या ब्यूटीफुल हो, और ऐसा करने से पोइट लीस फॉरलॉन होता, मीन्स उसकी उदासी, उसकी सैडनेस कम होती। लास्ट की दो लाइंस में पोइट कहता है कि वे प्रोटियस एंड ट्रिटन, इन दो पैगन गॉड्स को देख सकता है। प्रोटियस गॉड वह है जो फ्यूचर बताते हैं। पोइट उसको सी में राइजिंग करते देख सकता है। ट्रिटन भी एक गॉड है जो सी वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं।